अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश से अप्रैल में मक्का का निर्यात करीब 4,48,000 टन था। एक वर्ष पहले निर्यात का आंकड़ा इसी अवधि में 5,97,000 टन था, जबकि अन्य मोटे अनाज के निर्यात के आंकड़े में अच्छी बढ़ोतरी हो रही थी। तेज से मोटे अनाज निर्यात बीते साल के 30,26,000 टन के मुकाबले इस साल 38,55,000 टन। दरअसल भारतीय मक्का के दाम ऊंचाई पर पहुंचना इसकी वजह मानी जा रही है। विदेशी खरीदारों को भारतीय मक्का की पड़ताल नहीं बैठ रही। ब्राजील से फीड क्वालिटी की मक्का 288 से 293 डॉलर प्रति टन के दाम पर मिल रही है। वहीं देश में मक्का के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऊंचे हैं। मक्का की MSP 1870 रुपए तय है। वहीं अगले सीजन के लिए 1962 रुपए निर्धारित की जा चुकी है, जबकि अभी बाजार में मक्का 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक चुका है। व्यापारियों के अनुसार 8 जुलाई तक देश में खरीफ सीजन में मक्का का बुआई आंकड़ा 31,84,000 हेक्टेयर बताया गया है। बीते साल इसके मुकाबले 41,63,000 हेक्टेयर में बुआई हो गई थी। मक्का उत्पादक राज्यों में इस बार अधिक बारिश से भी क्वालिटी खराब होने की चिंता सता रही है। ऐसे में बाजार में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। कुछ किसान कम कीमत पर अपनी मक्का बेचना नहीं चाहते, लेकिन भंडारण की सुरक्षित व्यवस्था न होने और बरसात शुरू होने के कारण उन्होंने मजबूरी में इसी दाम पर मक्का को बेच दिया है। जबकि थोक व्यापारियों का कहना है कि मंडियों में मक्का के भाव गिर रहे हैं, मांग है लेकिन कीमतें लगातार गिरती दिखाई दे रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पिछले सालों से मिल रहे मक्का फसल के बेहतर उत्पादन के चलते किसानों का रुझान इसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया है। हालांकि इस फसल की उपज की बिक्री के लिए सरकारी खरीद की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद मक्के की फसल के रकबे में हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि जिले में बीते 2 वर्षों से मक्का का अच्छा उत्पादन हो रहा है, लेकिन समर्थन मूल्य पर इसकी बिक्री न होने से किसानों को मंडियों के भरोसे ही इसको बेचना पड़ता है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मक्का के बाजार में एक बार फिर से तेजी देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।